नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के शो डेली राउंडअप में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। राजस्थान के किसानों ने भारत बंद के लिए भरी हुंकार। एनसीआरबी रिपोर्ट में बताया गया कि एससी एसटी के खिलाफ अपराध में 9% हुआ इजाफा। ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र को लगाई फटकार, कहा ले सकता है स्वतः संज्ञान। मानवाधिकार कार्यकर्ता मोदी सरकार के आलोचक हर्ष मंदर के घर दफ्तरों पर ईडी का छापा। और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की। देश में 24 घंटों में फिर से 30,000 से ज्यादा नए मामले, 431 मरीजों की मौत। जयपुर में किसान संसद में आए प्रतिनिधियों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 27 सितंबर को भारत बंद का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि बंद को सफल बनाने के लिए पंचायत स्तर पर किसान संगठनों का प्रचार जारी है और बंद को अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है। देखिए न्यूज़ क्लिक किया ग्राउंड रिपोर्ट। आज किसान संसद चल रही है, जहां पे किसान जो प्रस्तावित ये जो कानून है उन पे बात कर रहे हैं, साथ में अपनी भारत बंद की जो 27 तारीख की तैयारियां हैं उनको लेके भी वो अपनी हम कहें योजनाएं बना रहे हैं। आखिर क्या है पूरी भारत बंद को योजना और आखिर क्या कहते हैं किसान इन कृषि कानूनों के बारे में, आइए उनसे बात करते हैं। जो सरकार कहती है ना, ये बताओ कि कानून में काला क्या है भी, बार बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर बार बार बोलते हैं मीडिया में कि ये हमें बता नहीं पाए काला क्या है। हम इस देश में इतने हजारों लाखों लोग तैयार करना चाहते हैं कि जो बता सके कि कानूनों में काला क्या। आज इस जयपुर में जो जनसंसद हो रही है इसमें सभी लोगों ने बताया कि काला क्या। इससे पहले हमने जो पार्लियामेंट लगाई उसमें बताया और सरकार को भी बता चुके हैं। तो हम इस कानून को क्या काला है, किस तरह ये लोगों के खिलाफ है, सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं, हर उस आदमी के खिलाफ है जो रोटी खाता है, तो उसको पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इस कानून के बारे में और कानूनों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने के लिए कर रहे हैं, उसी के तहत ही आज की हुई है। किसान संसद में आने का मकसद सिर्फ इतना था कि हमें अपना पॉइंट रखना है, क्योंकि हम लोग भी किसानों के साथ हैं। किसान का सिर्फ अकेले का मुद्दा नहीं है कि किसान लड़ रहा है तो उसे लड़ने दिया जाए, यह अन्न का मसला है, यह अन्नदाता का मसला है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि किसान का मसला है उसे लड़ने दो, ये हमारी पूरी इंडिया, हमारे भारत के अन्नदाता का मसला है। तो हम लोग चुप नहीं बैठ सकते कि हम लोग चुप बैठ कर अपने घर में बैठ जाए और उनको अकेले को निपटने दें। विपक्ष पार्टियां सभी बीजेपी इसी किसान मोर्चा को समर्थन दे रही है। इसके अलावा जो एनडीए के घटक दल भी है ना, वो भी किसान मोर्चा को, किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए घोषणा कर चुके हैं। और यही नहीं, बीजेपी के कई नेता इसमें मतलब किसान मोर्चा इसमें किसान आंदोलन में कूदने को तैयार हैं। जैसे राज्यपाल, अभी राज्यपाल एक इस्तीफा देके और वो उन्होंने क्लियर कह दिया कि मैं तो किसानों के साथ हूँ। अभी एक गुजरात के एक एमएलए ने कहा मैं किसानों के साथ हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे सब, तो किसान से सभी प्रभावित है। हर एक वर्ग खुलकर इस किसान आंदोलन में सरकार के विरोध में आकर खड़ा हुआ है। तो जिससे जो मोदी जी हमारे कहते हैं ना कि ये किसान बरगलाए हुए हैं, मैं तो कहती हूँ कि हमारी सरकार झल्लाई हुई है। अगर मैं इन पर्टिकुलर इन तीनों कानूनों पर बात करूँ तो इन्होंने किसान आंदोलन को, बल्कि कोई सा भी आंदोलन जो कि सरकार के विरुद्ध होने जा रहा है, ये इसको बदनाम करते हैं। पहले तो अगर आपने जेएनयू के छात्रों का आंदोलन हुआ तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया। उसके बाद अगर शाहीन बाग का आंदोलन हुआ तो कहा कि ये तो दिल्ली से पाकिस्तान से इनके पास पैसा आ रहा है, बिरयानी खा रहे हैं, ये हो रहा है। और जब हमारे सिख बंधुओं ने आंदोलन किया तो कहा गया तो खालिस्तानी आंदोलन। तो इन्होंने क्या है कि पहले आंदोलन को बदनाम करते हैं, फिर ये देख लेते हैं कि अगर ये टिक नहीं पा रहे सतह पर तो फिर उसके बाद ये कोशिश करते हैं कुछ नेविगेशन कर लें और उसके बाद कुछ काम कर लें। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि यहाँ बातचीत से काम चलने वाला नहीं है, तीनों ही मुद्दों पर बातचीत पर काम चलने वाला नहीं है। 16 स्टेट्स में पहले भी जब बंद किया तो उसका असर हुआ। कोई स्टेट्स पूरी तरह बंद होते हैं, कोई आधे बंद होते हैं, तो कोई कम बंद होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि ये 2-3 स्टेट्स की मूवमेंट है। और इस स्टेट्स की, इस मूवमेंट की चर्चा तो इंटरनेशनल लेवल पे है, यूएनओ में चर्चा हुई है, यूके की असेंबली में चर्चा हुई है। तो वो कैसे बोल सकते हैं ये 2-3 स्टेट्स की प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हालिया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों की। एनसीआरबी द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में दर्ज अपराधों के मामलों में 2019 के मुकाबले 2020 में 28% की बढ़ोतरी हुई, जो कि बड़े पैमाने पर कोविड-19 लॉकडाउन मानदंडों को के उल्लंघन की वजह से हुई। इस रिपोर्ट में कहा गया है 25 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक कोविड-19 महामारी, जो कि पहली लहर के चलते देश में पूरी तरह लॉकडाउन लगा रहा,
और इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही बेहद सीमित रही। इसमें आगे कहा गया है, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध, चोरी, सेंधमारी, लूट और डकैती के तहत दर्ज मामलों में गिरावट आई है, जबकि कोविड से जुड़े नियमों को लागू करने के सिलसिले में लोक सेवक की ओर से कानूनी आदेश की अवज्ञा धारा 188 आईपीसी, अन्य आईपीसी अपराध के और अन्य राजस्थानी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के खिलाफ हुए अपराधों में 2019 के मुकाबले 2020 में बढ़ोतरी हुई है। अनुसूचित जाति के खिलाफ हुए अपराधों में 9.4% की बढ़ोतरी हुई, यानी 2019 में 45,961 मामलों से बढ़कर 2020 में कुल 50,291 मामले हो गए। अगली खबर ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट के बारे में है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में जस्टिस इकबाल सिंह चीमा को हटाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार पर काफी खफा है। ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट पर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह इस मामले में स्वतः संज्ञान ले सकता है। ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट 2021 पर लगातार सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को लगातार फटकार लगा रही है। कोर्ट का कहना है कि केंद्र ने इस बिल को मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बावजूद पास कर दिया और प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किए हैं। हाल के दिनों में ईडी और आयकर विभाग द्वारा रेड और सर्वे के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मीडिया संस्थानों के बाद सोनू सूद के घर पर आयकर विभाग के छापे हुए और गुरुवार सुबह से मानवाधिकार कार्यकर्ता, मोदी सरकार के आलोचक, पूर्व आईएएस अफसर हर्ष मंदर के घर और दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी की टीम सुबह 8:30 बजे कार्रवाई के लिए पहुंची थी। हर्ष एक फेलोशिप के लिए जर्मनी गए हुए हैं। घर पर उनकी बेटी सरूर मंदर मौजूद थी। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में मंदर के वसंत कुंज स्थित घर और दक्षिणी दिल्ली के अर्चिनी में स्थित उनके एनजीओ के ऑफिस में छापेमारी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार यानी 16 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और 431 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित करीब 38,000 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 8,164 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,33,00,000 से ज्यादा हो गई है, जिनमें से अब तक लगभग 4,43,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.64% यानी 3,25,00,000 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.03% यानी 3,42,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 76,50,00,000 से ज्यादा डोज दी जा चुकी है, जिनमें से करीब 64,51,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।